फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जब तक तुम सरदारे आला हो, ना तो कारा जैसार को और ना मेरे कबीले को कोई नुकसान पहुंचेगा, इतनी शराफत है तुम्हें। अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, उसे खत्म करने का मौका यही है और रियासत के हक में भी यही बेहतर है। मुमकिन है हम अपने कबीलों को कभी लौट ही ना पाए, हर शय दाव पर लगा देंगे। अमीर सादतीन जिंदा नहीं बचना चाहिए, हमें हर सूरत उसे खत्म करना है। अगर मैं महल में मौजूद होता तो मां परी खातून उसका फायदा उठाते हुए मुझे मारने की कोशिश करती। अब उस सांप का सर काट कर उसकी सांस बंद करने का वक्त आ गया है। यानी अमीर सादतीन को पैक। अमीर सादतीन को पैक। जाओ और जाके बादशाह की भेजी हुई फौज की कमान संभालो। अगर तुम उनकी कमान संभालोगे तो हम काबू कर लेंगे उन्हें। जमींदार क्रितुस एरिस को बादशाह के पास मजीद कुमक के लिए नीकिया भेज रहा है। अर्थुरुल मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया मुझे। मुझे ये बात मुसलसल परेशान कर रही है। अल्लाह खैर करे। खैरियत होगी इंशाल्लाह। इस बार खैरियत मालूम नहीं होती। तू हमें हमारी ताकत से ज्यादा मुश्किलात का सामना करने की असियत से दो चार न करना। या अल्लाह सलामत रखना अर्तुरुल को। बेटी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। कमांडर साहब खैरियत तो है, ये किसकी लाश लेकर आए हो? अमीर सादतीन हजरत को मारने की कोशिश करने वाली असलियान खातून की लाश है ये। क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह
आपने क्या कर दिया मेरी बहन? क्यों कुर्बान कर दिया खुद को? मेरी बेटी, सिपाहियों चलो यहाँ से। अरे किसने ऐसा सुन किया है? इस दर्द को देने वाले सादतीन कुपैक को जिंदगी भर अज़ियत देना। असलियान खातून की मैयत उठाओ जवानों। चलो भाई चलो, असलियान खातून की मैयत उठा दे। दूर हट जाओ, हट जाओ। हाथ भी मत लगाना इस बहादुर खातून को। कई कबीले वालों की शहीद खातून है ये, अब सुन लो। तुम जैसे बुजदिल इंसानों की नहीं। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। बुजदिल कहाँ पे? चले जाओ। सिपाहियों, असलहान खातून की मैयत को एहतराम के साथ खैमे में ले जाओ। रुको, दूर हो जाओ। ये वो बहादुर खातून है जिसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। हम खवातीन मिलकर इनकी मैयत उठाना चाहते हैं। खवातीन आइए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आराम से। असलहान खातून, आ मेरी बहादुर बहन। हायमा खानम, अर्तुरुल भाई और तुर्गुत भाई आए हैं। आर्तुक साहब, तुर्गुत को संभालना होगा। Thank you.
असलियान। सॉरी ये नहीं है। वालिदा बताइए मुझे ये सॉरी है ना? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और तू भाई बताए मुझे क्या हुआ इसे? वालिदा ये उठ क्यों नहीं रही? और तू भाई तुर्कुत मेरे भाई, मेरे शेर, तुर्कुत भाई, तुर्कुत, तुर्कुत, संभालो अपने आप को बेटा, तुर्कुत सरदार, किसने, कौन कर सकता है? किसने किया है ये? और तो भाई किसने किया है ये? अमीर सादतीन कोबैक। जिस तख्त का मैं वारिस था वो जल्द मेरा होगा वालिदा। मैं किसी की नाजायज औलाद की तरह नहीं बल्कि तख्त के कानूनी वारिस की हैसियत से सुल्तान बनूंगा। बाबा ने हमें जिस शर्मिंदगी से दोचार किया और तख्त नशीन हो गए सुल्तान बन के,
मैं उनसे इस शर्मिंदगी का हिसाब लूंगा, क्योंकि एक फूल था मैं जिसे बेदर्दी से मसल दिया उन्होंने। दुनिया की सितम शरीफी तो देखो जरा, उस मासूम फूल को अपनी नफरत और जुल्म की भेंट चढ़ा दिया। जब तू मुझ पे मेहरबान है तो मुझे किसी गुनाह का खौफ नहीं अपने, और जब तू मेरे साथ है तो मुझे अपनी राह में आने वाली किसी रुकावट की परवाह नहीं। तू मुझे मासूम चेहरे के साथ दोबारा जिंदा करेगा। जानता हूं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गुनाह है, लेकिन हिसाब लेना है मुझे। जब तक उसका सर नहीं काट देता मेरा दर्द कम नहीं होगा भाई, जाने दे मुझे भाई। तुर्कु साहब, हम जानते हैं कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन खुद को संभालना होगा आपको सरदार। भाई तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, पहले असलियान खातून की तदफीन करेंगे हम। तुर्कुत भाई, तुर्कुत संभालो खुद को मेरे भाई, अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें संभालना होगा। तुर्कुत भाई हिम्मत से काम लो, मुझे जाने दे, मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मैं ऐसे नहीं रो सकता भाई। तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है मुझे, इंतकाम के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मैं उस मलून के हाथों मरने नहीं दे सकता तुम्हें। अब तुम्हें इंतकाम लेने के लिए सब्र के साथ इंतजार करना है। अब दर्द सादतीन को पैक सहेगा। हवास काबू में रखो अपने, उस मलून को पैक का वो इबरतनाक अंजाम होगा कि आइंदा उसके हामी भी उसके नक्शे कदम पर चलने की जसारत नहीं करेंगे।
कल असलहान खातून की तदफीन करने के बाद सादतीन को पैक को खत्म करने के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बहुत तकलीफ हो रही है। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं। उस मलूम के मुंह से जब तक खून बहता हुआ नहीं देख लेता भाई, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा मैं। तुम देखोगे मेरे शेर, जरूर देखोगे तुम। असलहान बहन समेत कुपैक के जुल्म का निशाना बनने वाले तमाम मजलूमों का इंतकाम लेंगे। असलहान बहन के उन तमाम मासूम लोगों के खून ना हक की कसम खाता हूं मैं, कसम खाता हूं। काई कबीले की क्या सूरत हाल है आयतुमश? सोग में है अभी, कल असलहान खातून की मैयत की तदफीन करेंगे। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। अपनी जान गवा दी उस बिचारी ने अर्तुरुल की बातों में आकर, ये वाजे है अर्तुरुल हम सबको इसी तरह धोखा दे रहा है। सिपाहियों को बता दो के कोई भी आराम करने का ना सोचे, हमें फौरन निकलना है। कहां जाना है? कुछ सिपाही काई कबीले के अतराफ में तायनात होंगे, मैं काई कबीले को कोई मोहलत नहीं देना चाहता। अर्तुरुल, बमसी, तुर्कुत, सुंगुर, यकीनन ये सब अपने प्यारों को अलविदा कहने कबीले जाएंगे। असलहान की मौत का सुनकर उसके जनाजे में भी जरूर शिरकत करेंगे। कल उन सबको गिरफ्तार कर लूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म सरदार। मैं कसम खाता हूं कि रियासत से गद्दारी करने वाले हर शख्स को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरे जिंदगी के साथी, मेरे दिल के शहजादी, मैंने जिंदगी में बहुत से बुरे वक्त देखे हैं, बहुत से अमवात का सदमा बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम्हारी मौत का ये सदमा मैं
बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा असलियान, चाहे मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना मिल जाए, तुम्हारे बगैर क्या करूंगा, तुम्हारे बगैर कुछ भी अहम नहीं मेरे लिए। अब ये पूरा जहां भी मेरे लिए मायने नहीं रखता असलियान, अब इस जहां में अगर कयामत भी आ जाए तो अफसोस नहीं होगा। हमेशा दुआ और इंतजार करने वाले की याद दिलाता रहेगा। मैं कसम खाता हूं कि उस मलूम को मैं तुम्हारे दिए हुए इसी खंजर से मार डालूंगा। काम लूंगा मेरी बहादुर खातून, इंतकाम लूंगा। असलियान, उसकी मौत से मुझे बहुत दुख पहुंचा है अर्तुरुल। अमीर सादेद्दीन ने किसी न किसी तरह असलिहान से इंतकाम लेने की राह निकाल ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा साहब। किसी को यकीन नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं, लेकिन अल्लाह बंदे को बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। इस तकलीफ को भी हम झेल लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। हलीमा, पहले भी कई बार जंगों में जिम्मेदारियां पूरी की हैं मैंने, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी उन जंगों से मुख्तलिफ है, बहुत कठिन है। मुमकिन है कि कई महीने या फिर सालों बीत जाए, मुमकिन है हम वापस ना लौट सकें, या फिर सिर्फ हमारी लाशें वापस आए। अल्लाह महफूज रखे, ऐसा ना कहे अर्तुरुल। हलीमा, अगर मैं इस औताक का बादशाह हूं तो तुम मलिका हो इस औताक की। साफजी, गुंदूस, और हमारा बेटा उस्मान सबसे पहले अल्लाह की और फिर तुम्हारी अमानत में है। अगर वापस ना लौटा मैं तो तुम इनकी वालिदा भी होगी और इनका वालिद भी। हमारी वालिदा की तरह तुम इन्हें परवान चढ़ाना, यकीनी बनाना कि ये मेरे रास्ते पर चले। मेरे मरने के बाद भी इंशाअल्लाह मेरे बेटे हमारे कबीले को
हमारी रियासत को बचा लेंगे एक दिन। बिल्कुल परेशान ना हो आप अर्तुरुल, अल्लाह आपको सरबलंद रखे। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आपके मुंतजर रहेंगे। आप बस ये कीजिए कि हक के रास्ते पर चलते हुए शान के साथ, शर्फ के साथ फाते बनकर लौटिएगा। अगर आप लौट आए तो हमारी ईद होगी, अगर शहीद हो गए तो आपके दिए हुए शर्फ के साथ, गुरूर के साथ पूरी जिंदगी गुजार देंगे। मुश्किल सफर पर जा रहे हैं अफसा, हो सकता है वापस ना लौट सके, लेकिन तुम अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। पहले असलियान खातून की मौत और अब आपकी ये जुदाई, अल्लाह आप पर, मुझ पर और हमारे बच्चे पर रहम फरमाए। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की वालिदा, मेरी आंखों की चमक, हफ्सा, हफ्सा, असलिहान खातून हमारे इत्तेहाद और हमारी फलाह के लिए कुर्बान हो गई। अब हम रियासत की हिफाजत के लिए, अपने कबाइल का इत्तेहाद मजबूत करने के लिए और आने वाली नस्लों की सलामती और बका के लिए जंग पर जा रहे हैं। हफ्सा, अगर हम इस मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान ना करें तो इस रियासत को, हमारे कबाइल को कौन बचाएगा? हफ्सा खातून, हमने रियासत को बचाने की कसम खाई है। तुम मेरी हफ्सा हो, मेरा गुरूर हो, तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना होगा। अगर मैं ना लौट सका तो उसे बताना कि उसके बाबा एक बहादुर जंगजू थे, वो रियासत की खातिर, दीन की खातिर जामे शहादत नोश कर गए। अफसा, हमारे बच्चे को मुझे भूलने मत देना, तुम भी मत भूलना मुझे। हफ्सा, दुआओं में याद रखना, मेरी मोहब्बत हो तुम। मैं जानता हूं बहुत कठिन है यह वक्त हम सब के लिए। हमारी रियासत के महफूज होने तक हम पर अपने कबीले और खैमों में रहना हराम है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। खैरियत से जाओ, खैरियत से लौटो। अज़्मे पिदर और शीरे मादर की ताकत का हक अदा कर दो। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया वालिदा। अगर तुम्हारे जाने के बाद उस गुनाल्प ने कबीले को नुकसान पहुंचाया तो? गुनाल्प कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वालिदा, वो ऐसा शख्स नहीं है। गुनाल्प की वाहिद कमजोरी अमीर सादतिन है वालिदा, उसे कसदन छोड़ा था क्योंकि जानता था वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो यकीनन हमारे कबीले को नुकसान पहुंच सकता था।
जैसा तुम मुनासिब समझो। और तुरुल, वालिदा हलीमा, अब आप खवातीन की सरदार हैं। अब तमाम बहनों को आपने किसी भी मुमकिना हमले से निमटने के लिए तैयार करना है। हमारी वापसी तक आपको कबीले को मुनज्जम रखना होगा। जैसा तुम कहो मेरे बेटे, जैसा आपका हुक्म साहब। वालिदा, हम कुछ ही देर में जिहाद के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आपकी दुआओं का तालिब हूं वालिदा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह के हवाले। यकीनन यही गुनार थे। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? अर्तुरुल सरदार यहाँ नहीं है गुनाल्प साहब, अपना वक्त जाया मत करें। गलत बयानी ना करें अर्तुक साहब, मैं जानता हूं कि वो यही है। वो यहाँ नहीं है गुनाल्प साहब। क्या मतलब है आपका? असलेहान खातून की मौत की खबर नहीं मिली उन्हें? जनाजे में नहीं आए क्या? हाँ आए थे, बिल्कुल आए थे। जनाजे को लेकर तदफीन के लिए चले गए। ये कैसे हो सकता है? अर्तुरुल सरदार आपके और अमीर सादतीन कोपैक के इरादों से बेखबर हैं, ये मत समझें। हवास खो बैठे हैं आप कि एक ऐसी जगह पर छापा मारा जहां के लोग पहले ही सोग में मुब्तिला हैं। अर्तुरुल सरदार पहले ही वाकिफ थे, इसीलिए जनाजे को तदफीन के लिए कहीं और ले गए। गुनाल्प साहब, मैं शिकार पे नहीं गया था, सिवास के अमीर हुसामुद्दीन से मिलने गया था। इस सफर के इख्तिताम पर या तो कोपैक इस दुनिया में रहेगा या फिर हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सुल्तान गयासुद्दीन और उनकी वालिदा मां परी खातून महल से कहीं गए हैं। अमीर कामगिरी मर गए तो कोपैक उनके लश्कर पर भी काबिज हो जाएगा। रियासत में उसकी अहमियत और उसका लश्कर मजीद ताकतवर हो जाएंगे।